बिहार भी अब सेब की खेती शुरू कर रहा है और प्रदेश के 7 जिलों में इसकी खेती शुरू भी कर दी गई है। बिहार के भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, औरंगाबाद, कटिहार और मुजफ्फरपुर में इसकी खेती शुरू कर दी गई है। जून जुलाई तक आपको बिहारी सेब का स्वाद चखने को मिल जाएगा। भागलपुर में 2 एकड़ में खेती कर रहे किसान गोपाल सिंह ने तो सेब की खेती शुरू भी कर दी है और जल्द ही उनके बगानों में आपको सेब पेड़ में लटके नजर आएंगे। खेती जो कर रहे हैं सर, मूल रूप से हम लोग व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, जिसमें सेब है, संतरा है, मौसमी है, फिर अनानास है, थाईएप्पल बैर है, भेनारवी गोभा है, सबका कमर्शियल खेती यहाँ किया जा रहा है। उसके बाद फिर इंटरक्रॉपिंग में हम लोग दिए हुए हैं देसी केला, इस तरह का खेती किया कि मैंने सफलता की पूर्ण जवाबदेही है, सफल होगा ही तो है। और पूरी जानकारी का भी थोड़ा सा अभाव होता है, लेकिन हम लोग फिर वहाँ से जहाँ से इसका पौधा लाए हैं हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से इसकी जानकारी समय समय पर लेते रहते हैं और अब तक तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अब इस साल 5वां साल है सेब के प्लांट का, इस साल कमर्शियल थोड़ा सा इसका उत्पादन शुरू होना चाहिए। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश में किसानों को सेब की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए प्रति एकड़ 2,18,000 रुपए भी 50% अनुदान के साथ दे रही है। साथ ही किसानों को प्रशिक्षण के लिए वैशाली के तीसरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों को हिमाचल प्रदेश से हरिमन 99 वैरायटी के पौधे दिलाए जाएंगे। शिक्षण सहित एक पौधे की लागत लगभग 200 रुपए होंगे। इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है हम लोग के यहाँ वैशाली जिले में तीसरी जगह है, वहाँ उद्यान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मेरे विभाग का, तो वहीं से वैरायटी हरिमन 99 आएगा और वो वैरायटी लोग लगाएंगे और उसके बाद हम लोग किसानों को जो होगा सहायता ट्रेनिंग देने के लिए या और भी जो भी सहायता चाहिए हम लोग उनको अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक तकनीक बताएंगे, जिससे कि यहाँ के किसान सफल हो सके और अपना मुनाफा कमा सके। सेब का पौधा लगाने के लिए नवंबर से फरवरी तक का महीना अनुकूल माना जाता है और अभी तक हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से सेब की फसल होती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी और जलवायु सेब की खेती के लिए अनुकूल नहीं है, लिहाजा जो स्वाद कश्मीर और हिमाचल के सेब में है वो स्वाद आपको बिहार के सेब में नहीं मिल पाएगा। बिहार में सेब की खेती के लिए उपयुक्तता तो नहीं बनती है सही में। ये जितना हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ की जो ज़मीन है, ह्यूमस सॉइल्स है और वहाँ की जो ज़मीनी धरातल जो स्थिति है उसके साथ जो वातावरण का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें फैक्टर रहती है जो कि जिससे कि हम उसकी खेती उपयुक्त तौर पे ले सकते हैं। बिहार में इससे पहले नारंगी की भी खेती की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाई। ऐसे में अब सरकार के सहयोग से शुरू हो रही सेब की खेती कितनी सफल हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप कश्मीरी सेब खाने के शौकीन हैं तब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार भी अब सेब का प्रोडक्शन करने जा रहा है। हालांकि कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि बिहार की मिट्टी सेब की खेती के लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के 7 जिलों के किसान सेब की खेती करने के लिए तैयार हैं और सरकार उन्हें प्रोत्साहन भी दे रही है। लिहाजा आने वाले चंद महीनों के बाद आप बिहारी सेब का स्वाद अपने घरों में ले पाएंगे। पटना से सहयोगी मणिभूषण और कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।